हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं वो टॉप 7 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज जिनके लिए ऑनलाइन फॉर्म आप नवंबर मंथ में अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, ऑल इंडिया की वैकेंसी है और 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास वालों के लिए ढेर सारी वैकेंसीज निकली हुई है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है। तो आगे इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक वैकेंसी के बारे में डिटेल देता चलूंगा, किस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होने हैं, उस पर्टिकुलर वैकेंसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, उस वैकेंसी का एग्जाम कब हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी वैकेंसी को लेकर इंटरेस्टेड होंगे तो फॉर्म जरूर अप्लाई करेगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी मगर मोटी इंफॉर्मेशन दे दूं। फ्रेंड्स, वे टू सक्सेस की जो एक क्रांतिकारी बुक थी सामान्य अध्ययन के नाम से, इसका सेकंड और जबरदस्त एडिशन लॉन्च हो चुका है, जिसमें 2020, 2021, 2022 में जितने भी बड़े छोटे एग्जाम्स हुए हैं, जनरल अवेयरनेस के सबसे ज्यादा बार पूछे क्वेश्चंस एग्जाम वाइज, शिफ्ट वाइज, डेट वाइज मेंशन कर रखे हैं विद सॉल्यूशन। इस बुक के थ्रू आप जनरल अवेयरनेस के रियल क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जनरल अवेयरनेस के उन क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। तो ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स इसमें कवर है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, Amazon, Flipkart से भी आप बुक को परचेज कर सकते हो, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते वैकेंसी नंबर 7 से, जो कि निकल के आएगी SSC CHSL रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। फ्रेंड्स, SSC के थ्रू CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की एक वैकेंसी निकल दिया है, जिसके अंदर वेरियस क्लरिकल पोस्ट हमारी निकलती है, जिसमें से एक LDC लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट रहती है, JSA जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी, साथ ही DEO डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट रहने वाली है। सभी हमारी क्लरिकल पोस्ट रहने वाली है। इस बार इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 5th ऑफ नवंबर 2022 से होने वाले हैं, साथ ही इस वैकेंसी का जो एग्जाम होगा वो फरवरी मार्च 2023 के अंदर होने वाला है। एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 से 27 साल इसमें रखी जाती है। अगर आपने 12th पास कर रखा है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, ऑफिसेज ज्वाइन करना चाहते हो ऑन अ क्लरिकल पोस्ट, तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई हो ही नहीं सकती। तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए और जब 5 नवंबर को इसका डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो बहुत सारी डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, क्योंकि इस बार CHSL का एग्जाम आपको क्रैक कराना है। तो चैनल को रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते रहिए। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 6 के बारे में, जो कि निकल के आएगी इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। आप सभी को बताएं, एक साल में 2 बार इंडियन एयरफोर्स के अंदर ये वैकेंसी निकलती है। इस बार इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रही है वो 7th ऑफ नवंबर 2022 को होने वाली है। साथ ही इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो 18 जनवरी से लेकर 24th जनवरी 2023 में कराया जाएगा। फ्रेंड्स, इसके अंदर हमारे 2 ट्रेड होते हैं, एक टेक्निकल ट्रेड होता है, एक नॉन टेक्निकल ट्रेड होता है। नॉन टेक्निकल ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए अगर आपने 12th पास कर रखा है और इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% मार्क्स थे तो आप वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप टेक्निकल ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने 12th पास कर रखा हो, 12th में फिजिक्स, मैथ सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए विद 50% मार्क्स और इंग्लिश में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, तो आप टेक्निकल ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दोनों ट्रेड के लिए एलिजिबल है तो आप दोनों ट्रेड के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 17.5 साल होती है, मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 21 साल इस बार रहने वाली है। क्लियर है? तो फॉर्म जल्दी ही आने वाली है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका पब्लिश हो चुका है, जब फॉर्म आ जाएंगे डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा। बात करते हैं नंबर 5 के बारे में, जो कि निकल के आएगी यूपी ट्रिप्लसी जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। यूपी ट्रिप्लसी उत्तर प्रदेश सबोर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसके थ्रू जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट के ऊपर जबरदस्त वैकेंसी आने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1262 हमारी रहेगी। इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 21 नवंबर 2022 से होने वाली है, साथ ही फॉर्म की लास्ट डेट 14 दिसंबर 2022 रहने वाली है। एज लिमिट की बात करें, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर रहने वाली है, मैक्सिमम 40 ईयर रहने वाली है। एज आपकी 1 जुलाई 2022 तक कैलकुलेट होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो काफी सिंपल है, अगर आपने 12th पास कर रखा है तो आप यूपी ट्रिप्लसी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में मैंडेटरी है कि आपने यूपी ट्रिप्लसी पैट 2021 वाला एग्जाम दिया हो तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए यह वैकेंसी होती है, काफी बिंदास वैकेंसी है, तो आप एलिजिबल हो। बात करते हैं नंबर 4 के बारे में, जो कि निकल के आएगी DRDO असिस्टेंट वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। DRDO के बारे में सब लोग जानते होंगे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर वेरियस असिस्टेंट क्लरिकल और नॉन क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट है, स्टोर असिस्टेंट, सिक्योरिटी असिस्टेंट, फायरमैन, स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकली हुई है। सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1061 निकली हुई है। इसका कंप्लीट डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, इसके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं वो
11th of November 2022 से होने वाले हैं। बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के बारे में। देखिए फ्रेंड, जो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट या फिर स्टोर असिस्टेंट या फिर सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट है, सभी पोस्ट के लिए अगर आपने 12th पास कर रखा है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही स्टेनोग्राफर की एक पोस्ट के लिए 12th पास है, स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट की जो पोस्ट है उसके लिए सभी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फायरमैन की पोस्ट के लिए 10th पास कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल रखे गए हैं। एज लिमिट 18 से 27 साल यहां पर जनरल कैटेगरी वालों के लिए रखे गए हैं। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको एक कंप्लीट डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सभी असिस्टेंट की पोस्ट के रिगार्डिंग आपके डाउट क्लियर किए हुए हैं। साथ ही फायरमैन और सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के रिगार्डिंग एक और कंप्लीट डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड कर रखी है। फॉर्म अप्लाई करने से पहले, तैयारी शुरू करने से पहले वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इस एग्जाम को क्रैक कराने के लिए और भी काफी सारी वीडियो लेकर आऊंगा। बेस्ट बुक के रिगार्डिंग वीडियो लेकर आने वाला हूं, साथ ही स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आऊंगा, मैराथन वीडियो लेकर आऊंगा, साथ ही टॉप स्कोरिंग टॉपिक वाला वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आपने ठान लिया कि इस बार डीआरडीओ में सिलेक्शन लेना है तो चैनल को रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते रहिए, वीडियोस बहुत सारी आने वाली है। तो बात करते हैं वैकेंसी नंबर 3rd के बारे में, जो कि फिलहाल निकली हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एएमडी असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर एंड सिक्योरिटी गार्ड रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। फ्रेंड्स, एएमडी मतलब एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर ये आता है, जिसके अंदर दो हमारी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट निकल चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी वैसे तो 321 निकली हुई है, जहां पर सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट के ऊपर 274 वैकेंसी निकली हुई है। साथ ही असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर ग्रेड ए की पोस्ट के ऊपर टोटल 38 वैकेंसीज निकल चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, इसके फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 17th नवंबर 2022 फॉर्म की लास्ट डेट है। अगर आप एलिजिबल होंगे तो फटाक से फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत फास्ट चलने वाला है। पहले इसमें आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला है, जो कि दिसंबर 2022 में होना फिक्स हो रखा है। दूसरे नंबर पर आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जो कि जनवरी 2023 में गारंटेडली हो जाएगा। एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 से 27 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में केवल 10th पास मांगा गया है। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही बड़े लेवल का सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। अगर आप एलिजिबल होंगे, फॉर्म जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कल ही आपको एक प्रॉपर डिटेल वीडियो प्रोवाइड किया है, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा, सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, वैसे तो इस वीडियो में आपको 7 वैकेंसीज के बारे में बताने वाला था, लेकिन यहां पर बीच में ही आपको एक और बेस्ट वैकेंसी के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि निकल के आ रही है आईटीबीपी हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। दोस्तों, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, जिसके अंदर कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन और हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। दोनों पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 293 निकली हुई है, जहां पर कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसी 167 है, हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 126 निकली हुई है। फ्रेंड्स, फॉर्म इसके ऑलरेडी कल से, यानी कि 1st ऑफ नवंबर 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 30 नवंबर 2022 रहने वाली है। एज लिमिट के बारे में बात करें, कांस्टेबल की पोस्ट के लिए जनरल वालों के लिए 18 से 23 साल है, हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट के लिए जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 25 साल यहां पर रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट के लिए अगर आपने 12th पास कर रखा है पीसीएम सब्जेक्ट से विद 45% मार्क्स तो आप एलिजिबल है, या फिर आपके पास कोई आईटीआई का सर्टिफिकेट है या फिर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह कर रखा है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स, इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कल आपको ऑलरेडी एक फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं। इस वीडियो को फॉर्म अप्लाई करने से पहले जरूर देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बात करते हैं नंबर 2nd के बारे में, जो कि निकल के आएगी आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एमटीएस रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। आईबी के बारे में आप जानते हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि भारत के खुफिया विभाग है, जिसके अंदर दो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। एक हमारी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, दूसरी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दोनों पोस्ट को कंबाइन करके 1671 निकल चुकी है। सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 1521 वैकेंसीज है, एमटीएस की पोस्ट के ऊपर 150 वैकेंसीज है। फॉर्म जो इसके स्टार्ट होंगे वो 5th ऑफ नवंबर 2022 से होने वाली। एज लिमिट एमटीएस की पोस्ट के लिए 18 से 25 साल है जनरल वालों के लिए, साथ ही सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 18 से 27 साल एज लिमिट इसमें रखी गई है। बहुत ही जबरदस्त लेवल की वैकेंसी रहने वाली है। दोनों ही पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल 10th पास मांगा गया है। जस्ट आफ्टर 10th आईबी ज्वाइन करने का इससे बड़ा मौका और कोई हो ही नहीं सकता। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग
रिगार्डिंग ऑलरेडी आपको एक फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, वीडियो जरूर देख लीजिएगा फॉर्म अप्लाई करने से पहले। और बहुत सारी मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रेटजी वीडियो, मैराथन वीडियो, टॉप स्कोरिंग टॉपिक वीडियो, बेस्ट बुक वाला वीडियो लेकर आने वाला हूं, क्योंकि इस बार आईबी के अंदर आपको सिलेक्शन दिलाना है, तो आने वाली वीडियोस का वेट करिएगा। फाइनली बात करते हैं वैकेंसी नंबर फर्स्ट के बारे में, जो कि ऑलरेडी निकली हुई है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एसएससी कांस्टेबल जीडी एंड सिपोई इन एनसीबी, मतलब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। तो फ्रेंड्स, फाइनली एसएससी कांस्टेबल जीडी की मच अवेटेड वैकेंसी निकल चुकी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 24,369 यहां पर रखी गई है। फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर 2022 रखी गई है। इसका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा वो जनवरी 2023 के अंदर कराया जाएगा। तो फॉर्म अप्लाई करके दबा के जबरदस्त वाली प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि जबरदस्त अपॉर्चुनिटी काफी टाइम बाद निकल के आ रही है। बहुत सारे लोग बेसब्री से वेट कर रहे थे। एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 से 30 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रखी गई है। अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप एसएससी कांस्टेबल जीडी वाली वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। इस बार तो इसमें एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी ऐड कर दिया गया, जिसके अंदर सिपोई की वैकेंसी निकली है। एक साथ सभी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको पोस्ट प्रेफरेंस यहां पर देनी होती है। तो ग्रेट ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है। इसके रिगार्डिंग भी आपको एक फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। और आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो लेकर आऊंगा। नेक्स्ट वीडियो बेस्ट बुक के ऊपर आ रही है, आपको बताऊंगा कि घर बैठे कौन सी बुक से प्रिपरेशन करें ताकि एग्जाम को अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर लो। टॉप स्कोरिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा, कौन कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना चाहिए। साथ ही स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आऊंगा, बहुत सारी मैराथन लेकर आऊंगा। इस बार जीडी में भी आपको सिलेक्शन दिला के रहना है। तो फ्रेंड्स, ये थी टॉप 7 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, जिनके लिए ऑनलाइन फॉर्म आप नवंबर मंथ में अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नवंबर मंथ में केवल यही वैकेंसी आएंगी, और भी काफी सारी डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसी आएगी। ये वो वैकेंसी है जो कि ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, जिनके नोटिफिकेशन निकल चुके हैं, और जिन वैकेंसीज के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी फुल डिटेल वीडियोस बना चुका हूं, उन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उन वीडियोस को देख लीजिएगा फॉर्म अप्लाई करने से पहले, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।